तो आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज 18 को सॉल्व करेंगे, जिसे कि एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक डंबल है, ये डंबल 80 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे गिराया जाता है ऐसे, और किस हाइट से, 80 सेंटीमीटर के हाइट से नीचे गिराया जाता है। इसका मास जो है डंबल का, दैट मास इज 10 किलोग्राम, ये बताया गया 10 किलोग्राम। तो अब ये जो नीचे गिरेगा तो फ्लोर से ये टकराएगा, ये नीचे गिरेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मोमेंटम रहेगा कुछ इसमें, इसका मोमेंटम बढ़ते जाएगा, और जैसे ही ये टकरा जाएगा तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इसके पास टकराने से पहले जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम का क्या हुआ, ये तो रुक गया, इसका तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो वो मोमेंटम इसने इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, इस फ्लोर वाला सरफेस जो है, इस फ्लोर वाला सरफेस को ये ट्रांसफर कर देता है, फ्लोर को ये ट्रांसफर कर देता है। हमें यही पता करना है कि ये फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो क्या पता करना होगा हमें, डंबल का जो मोमेंटम ठीक टकराने से पहले होगा, यहाँ इसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम हम पता करेंगे, उसके बाद इसका मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन वो अपना पूरा का पूरा ये पी मोमेंटम जो है ये फ्लोर को ट्रांसफर कर देगा। अब इस मोमेंटम को पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा कि टकराने से ठीक पहले इसका वेलोसिटी कितना है। मास तो हमें इसका पता है 10 किलोग्राम, अगर हम टकराने से पहले इसका वेलोसिटी पता कर ले ठीक पहले, तो फिर टकराने से ठीक पहले इसका मोमेंटम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए इसी वेलोसिटी को हमें पता करना है, तो ध्यान से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो देखिए ये गिर रहा है ऊपर से नीचे 80 सेंटीमीटर हाइट से, अब 80 सेंटीमीटर को हम 0.8 मीटर कह सकते हैं, बिकॉज 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है। तो इसे कन्वर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि इस सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 80 सेंटीमीटर लिखें इनटू, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक ऐसा फ्रैक्शन बनाए जिसके न्यूमरेटर में मीटर हो, तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं 80 सेंटीमीटर को, तो ये तो 80 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब 1 का मतलब ये भी होगा एक फ्रैक्शन हम बनाएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहे। अब हमें न्यूमरेटर में मीटर लाना है तो हम लिखेंगे 1 मीटर, अब 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो डिनोमिनेटर में लिखें 100 सेंटीमीटर। तो इसका फायदा क्या होगा, देखिए ये जो क्वांटिटी, ये जो फ्रैक्शन है, ये तो 1 के बराबर होगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए गौर से, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यूनिट में, मीटर बचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ठीक है, हमने इस हाइट को पता लगा लिया कितना ऊपर से इसे गिराया जा रहा, दैट इज 0.8 मीटर। ओके, और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। और क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक्सीलरेशन बताया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन इसका होगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें नीचे के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, दैट इज 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, तो इसे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, नीचे जितना गिरेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वो भी हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हमारा साइन कन्वेंशन ऐसा होगा कि नीचे वाला डायरेक्शन होगा पॉजिटिव और ऊपर वाला डायरेक्शन ऑब्वियसली निगेटिव होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है निगेटिव, साइन कन्वेंशन है ये, हम अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा अगर नीचे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरली हम नॉर्मली क्या करते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, आप अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन बना सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, एस है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन है, चलिए ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है, और क्या गिवन है, सोचिए और क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यहां आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या कहा गया, डंबल जो है इफ इट फॉल्स फ्रॉम, इसे फॉल करवाया गया, गिराया गया, दैट मीन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन आप यहाँ पर लगाएंगे? वीडियो को पॉज करके सोचिए। हम इक्वेशन लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ हमें v का वैल्यू पता करना है, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसे आप गौर से देख लीजिए एक बार। ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से हम वी स्क्वायर का वैल्यू पता कर सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वी का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, यू हैज 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड यू का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस विच इज 0.8 मीटर, सो 0.8 मीटर, तो ये बन गया 0 का स्क्वायर 0, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 0.8 × 10 = 8, 8 × 2 = 16, सो 16 यूनिट देखे क्या होगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर्ड हो गया, और ये पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो पर सेकेंड स्क्वायर्ड, चलिए इसी तरह से लिखते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, तो 0 + 16 = 16, सो 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये क्या है, ये है वी स्क्वायर का वैल्यू। ओके, तो फिर यहाँ से सो वी इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट, सो इसी का स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 4, प्लस 4 भी हो सकता है, नेगेटिव 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, बिकॉज पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, सो ये तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया। अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट क्या होगा, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट होगा पर सेकंड। ओके, और यहाँ पर देखें हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है इसे हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा टकराने से ठीक पहले, चूंकि ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव 4 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव 4 हो सकता है, सो इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ से काट देंगे। सो वेलोसिटी कितना होगा, दैट वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड टकराने से ठीक पहले। तो टकराने से ठीक पहले इसका जो मोमेंटम होगा P, दैट मोमेंटम क्या होगा, वो मोमेंटम होगा मास इस बॉडी का इनटू इसका वेलोसिटी, सो मास इस बॉडी का कितना कहा गया 10 किलोग्राम, ओके, इनटू वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये होगा इसका मोमेंटम, इस डंबल का मोमेंटम जस्ट बिफोर द कलिजन, यहां पर जो टकराएगा फ्लोर से उससे ठीक पहले। तो अब टकराने के बाद इसका मोमेंटम चूंकि जीरो हो जाएगा, तो ये अपना पूरा का पूरा ये मोमेंटम क्या कर रहा है, ये मोमेंटम ये ट्रांसफर कर रहा है फ्लोर को, ये पूरा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये फ्लोर को दे देगा, और देके ये इसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो, क्योंकि गिरने के बाद ये रुक जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।